हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आपके लिए लाई हूँ न्यूज़पेपर पे हम प्रिंसेस कट ब्लाउज़ कैसे कट करें। तो चलिए गाइस, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये हमारा न्यूज़पेपर है, वन पीस है। इसमें हम सबसे पहले लंबाई देखेंगे। आप फैब्रिक पे न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग आप कट कर सकते हैं। साइज़ अपना अपना अलग अलग होता है। देखिए, मेरा चौरस फोल्ड है आगे का और पीछे का, दोनों पल्ला है। इसमें कट करके हम पहले निकाल लेंगे। देखिए, एक पल्ला मैंने साइड कर लिया है, अब ये हम फ्रंट पल्ला निकालेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं नेक निकाल रही हूँ। टू इंचेस लंबाई है, टू इंचेस चौड़ाई है नेक की। देखिए, अंडर आर्म्स की लंबाई मैं ले रही हूँ, 5 इंचेस पे है। अब ड्रो गाइस, ध्यान से देखिएगा। देखिए, ये हमारा फ्रंट पल्ला कट हो गया है। अब नेक की हम कटिंग करेंगे। देखिए, हाई नेक है, बहुत सुंदर नेक बनाया है। आप सेम आप अपने फैब्रिक पे बना सकते हैं। बैक पास का पीस है ये, इसको भी डबल फोल्ड कर लिया है। इसमें सबसे पहले लंबाई निकालेंगे। 13 इंच ब्लाउज की लंबाई है हमारी, और नेक के ऊपर से चौड़ाई 2 इंचेस पे लिया है और नीचे से 3 इंचेस पे, और ब्लाउज की गले की लंबाई 10 इंचेस है। बैक पार्ट भी देखिए, हमारा कटिंग हो गया है।
ये बटर पट्टी बैक पार्ट पे हम रखेंगे। तो ये भी देखिए मैंने कट कर लिया है। यहाँ पे हम डोरी लगा लेंगे। देखिए बहुत ही सुंदर और सिंपल नेक हमारा बनके तैयार है। अब इसको कैसे स्टिच करना है मैं चलिए आपको वो बताती हूँ। देखिए सबसे पहले हम गला तैयार कर लेंगे, उसके बाद से बटन पट्टी तैयार करेंगे। बटन पट्टी तैयार करने के बाद से गला तैयार करने के बाद से बैक पार्ट हम छोड़ देंगे, उसके बाद से फ्रंट पार्ट लेंगे। देखिए प्रिंसेस कट को इस तरीके से दोनों पल्लों को इस तरीके से सिल लेंगे, सिलाई लगा लेंगे उल्टा तरफ करके, रॉन्ग साइड में सिलाई रहेगा। उसके बाद से हम सबसे दूसरा गला बनाएंगे, गला तैयार करेंगे जैसे हमने कटिंग किया है उसी के हिसाब से। उसके बाद से हम तीरा जोड़ेंगे। तीरा तैयार करने के बाद से हम अंडरआर्म्स तैयार कर लेंगे। अगर जो स्लीव लगाना तो स्लीव लगा सकते हैं, विदाउट स्लीव है तो आप पाइपिंग लगाने अच्छे से। उसके बाद से हम फिटिंग देंगे। साइड में फिटिंग आपकी 32 है, 36 है, या वेस आपकी 28 है, 30 है, आप उस हिसाब से सिलाई लगा लें। उसके बाद से नीचे का फोल्डिंग है, अगर जो आपने एक्स्ट्रा कटिंग किया है तो उसमें से जोड़ लें, नहीं तो आप अलग से पट्टी लेके जोड़ लें। गाइस आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं एंड मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल।